स्वादी हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकिता है। आज की वीडियो काफ़ी यूनिक टॉपिक पे होने वाली है। एज अ बीएल फैन मोस्टली लोग इस बारे में बात नहीं करते, जस्ट देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है रोमांटिक साइज स्लैश सेक्शुअल अब्यूज स्लैश रेप। तो इसके बारे में आज हम डिफरेंस जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी यूनिक वीडियो से नोटिफाई रहे। सो बैक टू द टॉपिक, मैंने अपने बीएल वर्ल्ड की जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी, जो कि उस टाइम पे काफ़ी फेमस सीरीज थी जिसका नाम था लव बाय चांस। तो पहला ही टॉपिक यानी कि मैं फर्स्ट स्टोरी पिकअप करने वाली हूँ, वो भी लव बाय चांस की, जो कि काफ़ी अंडररेटेड कपल थे जिसका नाम टेक्नो एंड क्ला था। सो क्ला के इस इनोसेंट फेस पे मत जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला रेड फ्लैग है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्ला एक टीनेजर रहता है जो कि अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा होता है और टेक्नो यूनिवर्सिटी में होता है अपने फाइनल ईयर में। क्ला और टेक्नो का जो भाई होता है छोटा, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दोनों सेम क्लास में होते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंटली वो मतलब देख लेता है टेक्नो को और टेक्नो के ऊपर उसे बहुत बड़ा क्रश हो जाता है। उसके बाद से वो अपने भाई को फोर्स करने लगता है, उसकी कुछ फोटोज मंगाता है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। उसका भाई ना काफ़ी ज़्यादा लालची होता है टेक्नो का, तो उसकी वजह से पैसों के चक्कर में वो सारी चीज़ें कर देता है। बट उसे नहीं पता होता कि आगे क्या क्या होने वाला है एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड है कितना बड़ा ऑब्सेशन है उसे उसके भाई के ऊपर। एक दिन क्ला जो है स्लीप ओवर करता है अपने ही बेस्ट फ्रेंड के घर पे, और वो गेस व्हाट, किसके बेड पे जाके सोता है? वो टेक्नो के बेड पे जाके सोता है। और टेक्नो फ्रेशमैन पार्टी करके आया होता है क्योंकि उसका रिटायरमेंट भी आ रहा होता है साथ में, तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है उसने। एंड वो अपने बेड में जैसे तैसे जाके पहुंचता है और उससे मिलता है क्ला। तो वो उसको बोलता है ठीक है तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाऊँ। एंड उसको मतलब पास में ही देखते पता नहीं क्या उसके ठरक जाग जाती है, वो उसे किस करने लग जाता है। और यहाँ पर टेक्नो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है उसे समझ नहीं आता, वो भी उसे किस पैक कर लेता है। और यही जो है उसकी जो एनर्जी कहते हैं ना, वो अंदर के राक्षस को जगाने वाला काम कर देता है एक किस। और उसके बाद लिटरली वो उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऊपर से ब्लेम करता है टेक्नो को कि उसने उसका फ़ायदा उठाया क्योंकि वो माइनर है और उसे ज़्यादा ये सब कुछ पता नहीं। बट हम व्यूअर्स को पता है कि उसने क्या किया। क्ला उसको मेंटली मैनिपुलेट करता है, उसे खुद के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, कहता है कि तुम उसके साथ रहो ताकि वो अपना फ्यूचर संभाल सके और ख़ुद को भी प्रिपेयर कर सके क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन दोनों की स्टोरी से आप लोग क्या समझते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था क्ला इज़ अ रेड फ्लैग और उसने एडवांटेज लिया क्योंकि उसे लगा था कि कभी भी ये मौका उसे नहीं मिलने वाला। स्टोरी नंबर 2 है मेरे लिस्ट में जिसका नाम है द इफ़ेक्ट। द इफ़ेक्ट को अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि ये रियलिटी है, क्योंकि समटाइम जो हमें रियल सीरीज़ में दिखाया जाता है हमें लगता है कि कितना क्यूट है, कितना इजीली सब हो गया। बट द इफ़ेक्ट जो सीरीज़ है ये मतलब 2 पार्ट में ही है ओनली, आप इसे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या होती है। इसमें एक शिन नाम का लड़का होता है जो कि नया नया यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है, और बहुत ही फेमस एक लड़का होता है जिसका नाम कर्ण होता है, और स्कूल में वो काफ़ी फेमस होता है, आइडल होता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे कॉइंसिडेंटली वो उससे मिलता है क्योंकि शिन फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम में वो अपनी टाई भूल जाता है, तो यहाँ कर्ण उसकी हेल्प करता है, टाई देता है ताकि वो एग्ज़ाम दे सके। बट यहाँ पे कर्ण बार बार उसको हर जगह स्पॉट करने लग जाता है, मिलने लग जाता है, उसको स्टॉक करने लग जाता है, दोनों में दोस्ती भी बढ़ती है। और यहाँ पे शिन के 2 बेस्ट फ्रेंड हैं तो वो भी उन दोनों को शिप करने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शिन ने बोला होता है कि उसको काइंड ऑफ उस आइडल पे क्रश है। चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही होती है बट बीच में यहाँ कन का फ्रेंड होता है, वो उनकी सीक्रेटली कुछ फ़ोटो वगैरह निकाल के पोस्ट कर देता है, तो लोग ना शिन को अटेंशन देने लगते हैं, तो उसको एंजाइटी हो जाती है कि लोग क्यों उसके पास आ रहे हैं। तो वो थोड़ा कन से ना दूरी बनाता रहता है और कन को ना मतलब कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो फाइनली उसके घर पर जाके उसकी फीलिंग को वो कन्फेस करता है, बट यहाँ शिन
उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देता है, और यही जो मोमेंट होता है कर्ण के इनर मॉन्स्टर को टिकर करता है। लिटरली वो उसका इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ता है और वो उसका रेप करता है इतनी बुरी तरीके से कि ये जो सीन अगर आप देखोगे ना, आपको फील होगा कि कितना उसको पेन हुआ होगा। ये सीरीज़ देखने के बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा से इस सीरीज़ को देख लूँ, जबकि ये मुझे पता है कि दोनों एक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बट फिर भी यहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है शिन, और यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। सिंगल टच से वो डरने लग जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि केन अपने प्यार के चक्कर में उसने शिन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, प्लस उसके फैमिली वालों पर भी बहुत असर पड़ता है। बट उसके फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि रिसेंटली मैं काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि मैं थाईलैंड की ही न्यूज़ पढ़ूँ, बहुत ही अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे केस हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैंने कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सीरीज़ देख रखी है, तो उन्हीं के कुछ पार्ट उठा के मैं आपके सामने लाऊँ कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आप चाहे नॉर्मल हो, स्ट्रेट हो या गे हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, तो ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। ये सीरीज़ जो है काफ़ी हमें रियलिटी दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन अन्यंग चिंगू, बाय बाय, कापुना खाप।